किसानों को दी जाने वाली खाद व बीजों पर सब्सिडी दिए जाने के चलते और बड़े घपले को रोकने के लिए डिजिटल इंडिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक मशीनें किसानों के लिए बनी सहकारी सोसाइटियों में दी गई हैं, लेकिन इन मशीनों में पहले से ही सोसाइटियों में बहुत बड़ा घपला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते सोसाइटी संचालकों ने आज फाजिलका में धरना दिया है। सहकारी सोसाइटी चालकों ने बताया कि सरकार के सहकारी सोसाइटियों में कालाबाजारी रोकने के लिए इन मशीनों को हमें सौंपा गया था, लेकिन इन मशीनों के जरिए ही बड़े अफसर इनका घोटाला करते हैं, और जो हमें रोकने के लिए अफसर करोड़ों रुपए की हेरफेर करने वाले थे, जिसका हमें पता चल गया है कि इन मशीनों में हमारे सहकारी सोसाइटियों में करोड़ों रुपए का स्टॉक दिखाया जा रहा है। अफसर हम पर दबाव बनाकर इनको सेल करने की बात कर रहे हैं। आपको यह नहीं कहा जाएगा, जबकि इनमें बड़े घोटाले होने की बात सामने आ रही है, लेकिन सोसाइटियों के आला अधिकारी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वह हम पर दबाव बना रहे हैं। आप किसी भी तरह इस घपले को नजरअंदाज कर किसानों को सेल दिखाइए, जिसके चलते हमने आज यहां धरना दिया है, और अगर सरकार ने हमारी बात न सुनी तो हम प्रदेश भर में ऐसे धरने लगाएंगे, और चाहे इसके लिए हमें केंद्र सरकार तक पहुंचकर अपनी इस पीड़ा को केंद्र सरकार के आगे सुनाना पड़े। वहीं इस संबंध में जब हमने फाजिलका जिला के कृषि अधिकारी ज्ञान सिंह से बात की तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह मामला कुछ संचालकों के द्वारा मेरे ध्यान में लगाया गया है, लेकिन इसका जवाब तो चंडीगढ़ में बैठे अधिकारी ही दे सकते हैं। अब देखना ये होगा कि इस इतने बड़े घोटाले की कोई एजेंसी जांच कर पाती है, या ऐसे ही फर्जी कंपनियां डिजिटल इंडिया के सहारे फर्जी माल बेचकर करोड़ों का मुनाफा खा जाएंगी। इस तरह की कोई गल सामने नहीं आई, क्योंकि डीलर्स नू असी पुछया है, वो किते ना किते डीलर जदों ऑपरेट करता है या कोई करन दे विच दिक्कत आई है, तो जदों उन्होंने वो चीज़ दसी उपर जिहड़े भारत सरकार के नुमाइंदे बैठते हैं चंडीगढ़ तो तुरंत उहदा हल किया गया। कोई इस तरह की कोई समस्या नहीं आई। सोसाइटी के कुछ बंदे कह रहे हैं, पर उन्होंने असल डी आर साहब या ए आर साहब दस सकते हैं, वो बारे सानू ਵਣਯੋਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਖਾਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੱਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 124 ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੀਸੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਖਾਸ ਸੇਲ ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਸੈਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ 5000 ਗੱਟਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 800 ਗੱਟਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 900 ਗੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੜ ਗਿਆ। खाद की सबसिडी की चोरी रोकने लिए डायरेक्ट DBT मशीन राही खाद देने का उपराला किया गया, जो कि एक बहुत वधिया उपराला सी। इस दे नाल जिहड़ी कंपनियां जदों किसान दे कोल खाद पहुंच जांदी सी, कंपनी नूं उदों सबसिडी जारी हुंदी सी।